सिंगल यूज पॉलीथिन पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भी धमतरी में कई दुकानों पर ज्यादा मुनाफा के चक्कर में प्रतिबंध थे जो पॉलीथिन है उसको बेचा जा रहा है। ऐसे में करीब आधा दर्जन दुकानों पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 41,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस कार्रवाई से पॉलीथिन ने बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम के तहत जो है जितने भी पॉलीथीन है, प्रतिबंधित प्लास्टिक है, उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक है, उन पे जो है कार्रवाई किया जाना है। और कोई यदि इसको विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। इसको लेकर के माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर धमतरी शहर में जो है छापेमार कार्रवाई की गई और अचानक जो है औचक निरीक्षण करते हुए गुलाब ट्रेडर्स, वैभव किराना स्टोर और इसके अलावा एक दो और व्यवसायी थे, उनके यहाँ भी छापा मारा गया। कुछ स्थानों में तो पॉलीथीन नहीं पाया गया तो जब्ती नहीं